आज हम मल्टीमीटर की फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर क्या होता है? बेसिकली एक शॉर्ट रेंज की वैल्यू के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज हो गया, एसी एंड डीसी। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है दिस इज कॉल्ड एज डीसी एंड साइनसॉइडल इट इज कॉल्ड एज एसी। क्लियर, ये आपका वोल्टेज का हो गया, ये अमीटर की रेंज है आपकी डीसी एंड एसी, बाकी का रेजिस्टेंस वैल्यू है जो यूनिट आपको दिख रहा है ओम, ये आपके रेजिस्टेंस का यूनिट है ना। तो आपके जो आपके ये देख रहे हैं पावर, इससे हम आपको मल्टीमीटर ऑन कर देंगे। बी एल मीन्स होता है आपका बैकलाइट, होल्ड मीन्स कोई भी वैल्यू आपको होल्ड पर रखना है तो इस बटन को प्रेस कर देंगे। क्लियर, ये आपकी क्या है जो आपकी रोटेटिंग पोजीशन है, ये आपको होल दिख रहा है, जिस वैल्यू के सामने फ्रंट पर होगा तो वही आपकी रेंज होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें एसी वोल्टेज लेना है, 440 के करीब लेना है, तो इस नॉब को हमने 200 और 750 के बीच सेलेक्ट कर दिया है ना। और ये आपके जो आपके ये हो गए या रेड एंड ब्लैक हैं, ये आपके कनेक्टिंग लीड्स हैं। रेड मींस होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लैक मींस होता है नेगेटिव टर्मिनल। आपको करना क्या है, ब्लैक वाला टर्मिनल है वो हमेशा कॉमन रहेगा, इस कनेक्टिंग लीड के पॉइंट को ब्लैक वाले को कॉमन पर कनेक्ट करेंगे। सपोज हमें वैल्यू की फाउंड वैल्यू वोल्टेज की फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी, देन हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हियर, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और जो भी आपके दो पॉइंट्स हैं उसके साथ हमें टच करना पड़ेगा जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज हमें डीसी वोल्टेज लेना है 20, ठीक है, जो आपकी किट होगी वहां पर इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो आपके डिस्प्ले पर यहां पर वो वैल्यू शो करने लगेगा वोल्टेज की। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर सपोज हमें डीसी करंट निकालना है तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को मिली एम्पियर, मींस करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर होगी, शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट वैल्यू है मिली एम्पियर, तो यहां पर हम डीसी करंट पर सिलेक्ट कर देंगे। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 20 मिली एम्पियर हमने इसको ले लिया। ठीक है, जो भी आप किट होगी, जो भी दोनों पॉइंट्स पर इसको हम टच करेंगे तो वहां से आपको डीसी करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। दिस इज आपका ये जो है आपका डीसी करंट है, स्ट्रेट लाइन मींस फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, ये आपकी साइनसोइडल वैल्यूज हो गई, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, देन वोल्टेज डीसी एंड एसी। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है बस, मल्टीमीटर यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंज ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम पावर का यूज नहीं कर सकते हैं, और जो मेगर हम यूज करते हैं उसमें काफी हाई वैल्यूज के लिए यूज करते हैं।